मॉर्निंग, मैंने दोनों वीडियो से कंटिन्यू सीरीज का एक क्वेश्चन आपके सामने बनाया है। उसमें इनकम दे रखी है और इनकम को प्राप्त करने वाले कैंडिडेट दे रखे, चाहे मजदूर कर लो, वर्कर्स कर लो। 100 रुपये से 110 रुपये, 100 से स्टार्ट होकर 180 तक की सीरीज है। 100 से 110 रुपये की वेजेज या इनकम प्राप्त करने वाले 4 कैंडिडेट हैं। 110 से 120 वाले 16, 120 से 130 वाले 36, 130 से 140 वाले 52 और 140 से 150 वाले 64, 150 से 160 वाले 40, 160 से 170 वाले 32 और 170 से 180 सीरीज वाले 11। टोटल एन है आपका 255। अब आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से आपको इस क्वेश्चन को मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप इसमें मिड वैल्यू लोगे। मिड वैल्यू मैंने बताया कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। 100 और 110 को जोड़ोगे तो 210, 210 में 2 का भाग दोगे तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी 105। इसी तरीके से सीरीज में अंतराल सेम है, 10 10 का अंतर है तो 10 10 का इसमें अंतर आ जाएगा। तो 115, 125, 135, 145, 155, 165 और 175, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपकी फ्रीक्वेंसी ये 4 है तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या निकालना होता है, एफ एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का प्रोडक्ट या गुणनफल। तो 4 को आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420, 16 को आप 115 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1840, 36 को आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4500, 52 को आप 145 से मल्टीप्लाई करोगे, 135 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7020, 64 को 145 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9280, 40 को आप 155 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6200, 32 को आप 185 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5280 और 11 को आप 175 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 19। ये आपका एफ एक्स, एफ एक्स को आपका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 36,465। इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या है, शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे सिग्मा एफ एक्स। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार सिंबल ऑफ मीन इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आपका 36,465, इसमें डिवाइड किया 255 से तो आपका मीन आ गया क्या है, समांतर माध्य 143, माध्य मूल्य क्या है 143, ये इनके बीच में, ठीक है। तो ये आपका आंसर। इसी तरीके से शॉर्टकट मेथड में मैंने बताया आपको एक अज्यूम मीन मानना है। अज्यूम मीन मतलब एक कल्पित माध्य, ए आपने माना 135, बीस का मान लिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो आप ये भी मान सकते हो, 175 भी मान सकते हो और 105 भी मान सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आंसर में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बीच का मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी, 105 माइनस 135 तो माइनस 30, 115 माइनस 135 माइनस 20, 125 माइनस 135 10 माइनस 10, 135 माइनस 135 0, 145 माइनस 135 10, 155 माइनस 135 20, 165 माइनस 135 30 और 175 माइनus 135 40। तो इस तरीके से आप 30 20 इनका आप एफ से मल्टीप्लाई करोगे, एफ इससे एफ इंटू डी एक्स, डी एक्स ये रहा आपका और एफ आपका ये रहा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 किया 12, 120 माइनस के 12, 16 दो 32 माइनस 320 10, 360 माइनस के 0 को आप इसी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 10, 64 को आप 10 से मल्टीप्लाई किया 640, 40 को आप 30 से मल्टीप्लाई किया 800, 32 को आप 30 से मल्टीप्लाई किया तो 96, 260 और 40 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440। इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आप इसको सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल कर लोगे तो 2040। फिर इस फॉर्मूले में डिफरेंस ये है
बीच में आप 135 के गुणा इसके मल्टीप्लेक्स में जाता है, इसको आप इसमें प्लस मान कर जोड़ दो 135 एज्यूम मीन को ए प्लस एफ सिग्मा एफ डी एक्स कंपोनेंट 2040 को 255 से डिवाइड किया तो 8 135 बार 143 तो मीन वैल्यू आपको क्या आ जाएगी समांतर माध्य 143। तो ये है आपका कंटिन्यूस सीरीज का। आगे अपने मीडियम में भी इसी तरीके से कंटिन्यूस सीरीज मोड में भी आएगी, तो आगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।